हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली के लड्डू। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है। इस लड्डू को आप बनाइए और 7 से 8 दिन तक खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूंगफली के लड्डू बनाने की सामग्री है 2 कप भुनी हुई मूंगफली, 1/2 कप सफ़ेद तिल, 1 कप गुड़, गुड़ को हमने ग्रेट कर लिया है, 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/2 कप ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। बड़े बॉल में मूंगफली डालेंगे और मूंगफली का हम छिलका निकालेंगे। मूंगफली के छिलके को हमने हटा लिया है। अब इसे हम मिक्सी के बर्तन में डालेंगे और दरदरा पीसेंगे। पैन हमारा गरम हो गया है। सबसे पहले हम तिल को भूनेंगे, मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल को हमने लगातार चलाते हुए भून लिया है। तिल से चटचट की आवाज़ आ रही है, यानी कि हमारा तिल अच्छे से भून गया है। अब हम तिल को प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में हम घी डालेंगे, गुड़ डालेंगे, गुड़ को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। गुड़ मेल्ट होने तक हमने पका लिया है। गैस को बंद करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। पीसी हुई मूंगफली डालेंगे, तिल, ग्रेट किया हुआ नारियल, इलायची का पाउडर, सारे सामग्री को हम अच्छे से मिला लेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है। मिश्रण को हमने बॉल में निकाल लिया है। मिश्रण हमारा हल्का गर्म है। हाथों को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। मिश्रण को हम इस तरह से हाथों पर रखेंगे और जैसे आपको पसंद हो छोटे बड़े लड्डू आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। मूंगफली के लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।